लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभु कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। अभी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है 10,459 सिपाहियों की। इसी सिलसिले में आप तेजस्वी यादव को सुनिए कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, नवनियुक्त शिक्षक, नवनियुक्त जो सिपाही हैं, महिला और पुरुष सिपाही, उनके ऊपर क्या कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव पर सबसे पहला सवाल विपक्षी पार्टी यही कर रहे थे कि जब तेजस्वी यादव चीफ डिप्टी सीएम बन गए, उनकी सरकार आ गई है, तो उन्होंने 2020 में वादा किया था पब्लिक से कि मैं 10,00,000 नौकरियाँ दूंगा, और इसी पर उन पर एक मतलब कमेंट किया जा रहा था विपक्षी पार्टी से कि देखते हैं कि वो 10,00,000 नौकरी कब देते हैं। हालांकि 10,00,000 नौकरी की शुरुआत 10,00,000 नौकरी दिए नहीं अभी, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत उन्होंने कर दिया है। तकरीबन 10,459 नियुक्ति पत्र एक ही बार में देना, एक ही बार में बहाल करना एक शुरुआत है, 10,00,000 नौकरी देने की शुरुआती है। देख सुनिए तेजस्वी यादव। तो हमें बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी जो नई महागठबंधन की सरकार ने जो निर्णय लिया था कि जितने भी विभागों में रिक्त पदे हैं उसको शीघ्र जो है हम लोग भरेंगे, और उसी दिशा में हमारी सरकार जो है काम कर रही है। और आप लोगों की जिम्मेवारी, क्योंकि केवल ये नौकरी और रोजगार की बात नहीं है, जो लोग पुलिस में या सेना में अपना योगदान देना चाहते हैं वो सेवा केवल नौकरी पाने की नहीं होती है, बल्कि देश की सेवा करने की होती है, देश की रक्षा करने की होती है। और आज पुलिस है, आर्मी है, तो बिहार का, देश का जो जनता है, आम व्यक्ति है, वो चैन की नींद सोता है। तो आप लोगों का जो सेवा होने वाला है, हम कह सकते हैं कि बिहार के हित में जो आप लोगों को बिहार की सुरक्षा, बिहारियों की सुरक्षा का जो जिम्मेवारी मिली है, मुझे पूर्ण आप लोगों पर विश्वास है कि आप लोग अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि बिहार की सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जब इतनी तादाद में, समझिए 10,000 की तादाद में आज आप लोगों को, बहुत लोगों के नियुक्ति पत्र जो है भी कुछ लोगों को मिला, लेकिन बाकी मिलेगा, आज सब लोगों को मिलेगा। पहले होता क्या था कि नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, किसको मिलेगा, इसमें भी कई बार जो है घपड़ा होता था, लेकिन अब जो है एक साथ एक दिन जो है आप सब लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और बहुत लोग को ये बात पचनी नहीं होगी, जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं। आप बताइए, आप लोगों के नियुक्ति होने से, बहाली होने से जो पुलिस है, जो डिपार्टमेंट है, वो मजबूत होगा, स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा है, हैंड पावर्स जो है वो मिले हैं। तो हम लोगों की कोशिश है कि नेशनल एवरेज के बराबर जो है, आप देखिएगा जो रेशियो है उसके तहत हम लोग जो है लोगों को और बहाल करें, ताकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है, ट्रिपल सी, कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम से कोई समझौता नहीं कर रहे। तो हम तय दिल से आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, कितनी बड़ी संख्या हमारी बहनों की दिख रही है, कितनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें बैठी हैं। 33% आरक्षण जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वाकई में जो है काबिले तारीफ। इतनी बड़ी संख्या में देश भर में हमको नहीं लगता कि और कहीं जो है महिलाएं पुलिस डिपार्टमेंट में होंगी। तो ये साबित आप लोगों ने किया है कि जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला जो है एकदम बढ़ चढ़ करके उनसे भी आगे बढ़ करके काम कर सकती है। सब लोग मिलकर के काम करेंगे, और जो लोग, कुछ लोग तो कहता ही रहता है फलना राज आ गया, जगला राज आ गया, तो हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार की साफ तौर इंटेंशन है कि कहीं कोई गड़बड़ करने वाला अगर होगा तो उसको हम लोग बख्शने का काम नहीं करेंगे। इसलिए इस दिशा में इतनी बड़ी बहाली जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, ताकि कोई गड़बड़ कर। और आप लोग, सब लोग जान रहे कि आजकल समाज में जो है जहर बोने का काम किया जा रहा है,
धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान विवाद करा करके भाईचारा को, अमन चैन शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका जो जवाब जो है आप लोगों को देना है। अगर कोई अगर गड़बड़ करने का काम करेगा, कोई दंगाई हो चाहे किसी धर्म का हो, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि इन चीजों को कंट्रोल करने का काम किया जाए। इसमें धर्म जाति से ज्यादा, पार्टी हो या जाति हो या धर्म हो, उससे ज्यादा बड़ा हमारा देश है, देश की भाईचारा है, अमन है, चैन है। जब तक पीस नहीं होगा तब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को बेखूबी ढंग से आप लोग जरूर निभाने का काम कीजिएगा। एक खाली मेरा अधिकारियों से निवेदन होगा कि एक बार हम जा रहे थे जागरूकता चौराहा से गुजरते हुए, तो चौराहे पर हमारी गाड़ी रुकी हुई थी, तो एक महिला पुलिसकर्मी आई। उसने हमको कहा, भैया हम लोग ड्यूटी करते हैं, काफी घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन यूरिनल पास करने की, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं भी अधिकारियों को ये लगे कि जहाँ भी पॉसिबल है, फिजिबल है, महिलाओं के लिए चौक चौराहे पे जो हमारी बहनें जो ड्यूटी करती हैं, अगर केवल शौचालय की अगर व्यवस्था हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, वरना कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। तो इस दिशा में जरूर हमारी सरकार जो है पहल करेगी, काम करेगी, और आप सब लोगों को जरूर हम ये बताना चाहेंगे कि जो अग्निवीर जो है, जो योजना केंद्र का सेना में, अब उससे ज्यादा जो चार साल का जो ठेके पे देने का काम किया है, अब आर्मी से ज्यादा जो लोग हैं, अब बिहार पुलिस में जो है एप्लीकेशन देने का काम कर रहे हैं, बहाली देने का काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग इस बात को जानते हैं, हम तो जहाँ हमारा 10 सर्कुलर आवास है, जहाँ जू है, या कहीं भी बिहार में आप चले जाइए, कहीं भी मैदान होगा तो दिन रात जो है लोग भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक बार ऐसे सुबह सुबह वॉक कर रहे थे, देख रहे भाग रहे ग्रुप में लोग, एक्सरसाइज कर रहा है, तो पूछे क्या चीज के लिए, डेली करते हो या क्या है, तो बोलता नहीं भैया पुलिस की बहाली निकली है, उसमें हमको ट्रेनिंग करना है, तो पास होने के लिए हमको जो है ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो आप लोग सब लोग सोचिए कितने लाखों के तादाद में लोग सेवा देना चाहते हैं, और आप लोग कॉम्पिटिशन से, मतलब इतना भारी कंपटीशन से आप लोग उन लोगों को पछाड़ करके आज आप लोग जो है बहाली हुई है, नियुक्ति पत्र मिली है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग मेरिट से यहाँ पहुँचे हुए लोग हैं, तो और लोगों का भी सपना है, लेकिन ये मौका आप लोगों को मिला है। ये आप लोगों का मेहनत है, आप लोगों का लगन है। बड़ा दिक्कत लगता था, हम देखते थे कि बिहार में रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, तो हमारी सरकार जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट पे हम लोग उतरने का काम कर रहे हैं, और जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहाल किया जाए, नौकरी दिया जाए, ताकि विभाग सुधरे और लोगों के हित में काम हो। तो इसमें हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, और हमारी सरकार आप सब लोग जान रहे हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। आप देख रहे हर एक बारीकी से माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक चीज को, हर एक डिपार्टमेंट पे, चाहे किसान का मामला हो, चाहे आपका चिकित्सा का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, हर एक डिपार्टमेंट पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम आप सब लोगों को धन्यवाद देंगे, और खास तौर पे विभाग के जितने पुलिस के जितने बड़े अधिकारी हैं उन सभी लोगों को बधाई देते हैं, और डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं उनको बधाई देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए आप सब लोगों के सामने जो वक्तव्य मेरा रहा उसको विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।